सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में यार हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में यार मैंने आपको हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग एंड आइकन के बारे में बताया था कि कैसे हम उनको वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। आई होप यार आपने प्रीवियस वाली वीडियो हमारी चेकआउट करी होगी। सो आते हैं यार आज के वीडियो के बारे में, जो कि है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, कि वेबसाइट में कौन कौन से हमारे जो टैग है वो इनलाइन है और कौन कौन से टैग हमारे ब्लॉक रहते हैं, और इनलाइन और ब्लॉक में मेनली डिफरेंस रहता क्या है। सो जो यार मैंने फोल्डर बना के रखा था मर्न फुल स्टैक, उसको मैं अपना बीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। एंड जैसे मैंने आपको बताया गाइज, .html आपको एक्सटेंशन यूज करना ही है। एंड अपना स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे रखते हैं। जो टाइटल नेम है, टाइटल नेम हम रखेंगे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। एंड ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे टैग की बात हम करें, H1 टैग में लिखा यार मैंने हे माय नेम इज विकास। इसको मैं नॉर्मली ओपन कर लेता हूँ अपने गो लाइव की हेल्प से। सो ये देखो गाइस, हे माय नेम इज विकास। एंड ए यहाँ पे यार मिसिंग है, सो ए हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड हे माय नेम इज विकास, ठीक है, H1 टैग। अब H2 के अंदर दिस वीडियो, एंड H2 के अंदर हमने लिख लिया दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑसम AWE। यहाँ पे R एक्स्ट्रा आ गया, R को हम रिप्लेस कर लेंगे। देखो H1 के अंदर हमने लिखा हे माय नेम इज विकास, H2 के अंदर लिखा दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑसम। यहाँ पे देखो गाइज, इनलाइन का मतलब है कि जैसे हमारा जो हे माय नेम इज विकास है उसके जस्ट आगे जो हमने चीज़ लिखी है वो आ जाए, तो वो एलिमेंट हमारे इनलाइन एलिमेंट रहते हैं। बट अब देखो, इसके जैसे मैंने ये लिखा, हमारा जैसे सेकंड टैग स्टार्ट हुआ तो वो उसके जस्ट नीचे आ गया, इट मीन्स ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। अब मैं एक एग्जांपल आपको इनलाइन का बता देता हूँ। सो यार इनलाइन आपको मैं बताता हूँ, जैसे इनलाइन हमारा एक एलिमेंट है स्पैन, स्पैन के अंदर मैं वही सेम लिख लेता हूँ हे माई नेम इज विकास, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देखो सेकंड स्पैन में इसी को सेम कॉपी कर लूँगा एंड पेस्ट कर लूँगा, उसमें मैं नॉर्मल वही लिख लूँगा दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑसम, ठीक है। तो इसको मैं अपने देखो, अब यहाँ पे देखो हे माय नेम इज विकास, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑसम। ये डिफरेंस रहता है यार एक इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में। इनलाइन ब्लॉक हमारा लाइन वाइज चलता है, पूरी लाइन को कवर कर रहा होता है, बट ब्लॉक एलिमेंट जहाँ पे हमारा टैग कंप्लीट हो गया तो उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में आएगा वो। तो अब बात आती है कि हमारे पास कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट है, कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट है। उसके लिए यार नॉर्मली जो हमें W3 स्कूल पे बता रखा है उसको हम प्रेफर करेंगे। आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से हमारे इनलाइन एलिमेंट है, कौन कौन से हमारे ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली टाइप कर लेता हूँ इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट इन HTML। तो इसमें W3 स्कूल में ओपन करेंगे हम। यहाँ पे देखो गाइस, जो हमारे हेयर आर दी ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML, एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, डिव, H1, LI, मेन, नेवर, ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट है। एंड जो इनलाइन एलिमेंट हमारे रहते हैं यार, एंकर टैग, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड टैग, ये सारे हमारे जो भी ये टैग है वो हमारे इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। एंड जो ये वाले टैग है वो हमारे रहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे यार अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जैसे H1 टैग है, H1 टैग के बाद हमें H2 को यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यार H1 टैग पे यहाँ पे लिख लेंगे हे आर यू ओके, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे मैं लिख लूँगा यहाँ पे H2 के अंदर यस, ठीक है। अभी तो ये देखो इसके नीचे आ रहा है, अगर इसको मेरे को इनलाइन बनाना है हे आर यू ओके एंड जो यस आई एम ओके, तो इसमें यार हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है फ्लोट लेफ्ट राइट, इसको हम फ्लोट करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम दे देंगे इसको स्टाइल, फ्लोट लेफ्ट। जैसे यार हमने फ्लोट लेफ्ट किया तो आई होप यार ये जो एलिमेंट है वो, ये देखो हे आर यू ओके, आर यू ओके तो देखो यार फ्लोट हो गया, बट जो यस आई एम ओके था, जो हमारा H2 टैग था वो ऊपर
चला गया, तो उसको hey, are you okay तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा स्टाइल है उसको, जो H2 टैग है उसमें हम स्टाइल दे देंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक है जी? ये देखो, हे आर यू ओके, यस आई एम ओके। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है इसके, ये इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि यार जो H2 टैग है उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू H1। अगर इसको हम H1 कर लेंगे तो ये पूरा इक्वल आएगा, ठीक है? ये देखो, तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से हमारे इनलाइन एलिमेंट रहते हैं, कौन कौन से हमारे ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, और जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट है क्या उनको हम इनलाइन नहीं बना सकते। आई होप यार आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर पाए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में यार आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि आपको सीरीज में क्या क्या चाहिए एंड आपको सीरीज कैसी लग रही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।